नमस्कार, मेरा नाम अजीत त्रिपाठी है। आशा है कि आप सब कुशल मंगल होंगे। टॉक से करोड़ों का ब्रांड बनने का किस्सा, कहानी हल्दीराम की। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हर सफल कहानी के पीछे बहुत सारी मेहनत छुपी होती है और हर सफल व्यापार के पीछे भी किसी न किसी का योगदान जुड़ा होता है। किसी भी बड़ी कंपनी की शुरुआत बहुत छोटे लेवल पर ही होती है। इसी तरह की एक स्टोरी फेमस फूड ब्रांड हल्दीराम की भी है। हल्दीराम भुजिया, सेव, हल्दीराम की सोन पापड़ी और कई तरह की नमकीन और स्नैक्स का स्वाद हमारी जबान पर चढ़ा हुआ है। लेकिन क्या यह शुरुआत से ही इतना ही फेमस था? जी नहीं, ये तो भारत के एक छोटे से शहर बीकानेर में एक छोटे से व्यापारी की शुरू की गई एक छोटी सी दुकान थी, जिसने आज परिवार के सदस्यों की मेहनत की बदौलत न केवल इस छोटी सी दुकान को ब्रांड नेम बना दिया, बल्कि कई लोगों को रोजगार भी दिया है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक छोटी दुकान से की गई शुरुआत आज इतना बड़ा कारोबार बन गया है, किस वजह से हल्दीराम के प्रोडक्ट्स आज देश विदेश में लोकप्रिय हो चुके हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। हल्दीराम की शुरुआत गंगा बिशन अग्रवाल ने 1937 में बीकानेर में एक छोटी दुकान खोलकर की थी। मशहूर बीकानेरी भुजिया को उन्होंने नया जायका दिया। गंगा बिशन जी की मेहनत की बदौलत वो दुकान भुजिया वाले के नाम से मशहूर हो गई। उनको हल्दीराम के नाम से जाना जाता था, इसलिए दुकान का नाम हल्दीराम कर दिया गया, जो गंगा विशन जी का एक और नाम था। आज हल्दीराम के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नागपुर, कोलकाता, दिल्ली और बीकानेर आदि जगहों पर भी हैं। इसके अलावा हल्दीराम के खुद के रिटेल चेन स्टोर और कई रेस्टोरेंट नागपुर और दिल्ली में भी हैं। भारत के अलावा अब इस कंपनी के उत्पाद और कई देशों जैसे यूनाइटेड किंगडम, श्रीलंका, यूनाइटेड अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और थाईलैंड जैसे कई देशों में भी इम्पोर्ट होते हैं। हल्दीराम ने अपना पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कोलकाता में डाला था। इसके बाद कंपनी का दूसरा और बड़ा प्लांट दिल्ली में स्थापित किया गया। इसके बाद भारत की राजधानी दिल्ली में इसका एक और प्लांट डाला गया। 1990 में दिल्ली में स्थापित हल्दीराम का ये प्लांट एक रिटेल स्टोर भी है। साल 2003 में हल्दीराम ने अपने कस्टमर्स के लिए कन्वीनियंस फूड बनाने का प्रोसेस शुरू किया। साल 2014 में ट्रस्ट रिसर्च एडवाइजरी की एक रिपोर्ट के मुताबिक हल्दीराम भारत की सबसे भरोसेमंद ब्रांड्स में 55वें नंबर पर था। हल्दीराम के अलग अलग तरह के कुल 400 प्रोडक्ट्स हैं। इन प्रोडक्ट्स में नमकीन, वेस्टर्न स्नैक्स, भारतीय मिठाइयाँ, कुकीज, पापड़ और अचार भी शामिल है। साल 1990 से कंपनी ने रेडी टू ईट फूड का प्रोडक्शन भी शुरू किया। हल्दीराम हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा ब्रांड है। ये अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के लिए ट्रेडिशनल तरीके ही यूज करता है। आपको हल्दीराम के प्रोडक्ट्स हर बेकरी और रिटेल स्टोर पर आसानी से मिल जाएंगे। इसके अलावा हल्दीराम अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन भी उपलब्ध करवाता है। इसके अलावा इस कंपनी के प्रोडक्ट की कीमत भी दूसरी कंपनी की तुलना में बहुत कम है। साल 2018 में हल्दीराम का रेवेन्यू 13% से बढ़कर 4000 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया। हल्दीराम कंपनी 3 अलग एरियाज में अपना व्यापार करती है, जिसमें हल्दीराम स्नैक एंड एथनिक फूड, नागपुर बेस्ड हल्दीराम फूड इंटरनेशनल और हल्दीराम भुजिया वाला शामिल है। आज हल्दीराम जैसी कंपनियां यूथ के लिए एक एग्जाम्पल है कि कैसे एक शुरुआत करके खुद को सेट किया जा सकता है। और पहले तो मार्केटिंग के मॉडर्न तरीके भी उपलब्ध नहीं थे। लोगों तक पहुंचना और उन तक अपनी बात पहुंचाना आसान नहीं था, लेकिन आज के मॉडर्न एरा में सब मुमकिन है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। ऐसे ही फेमस ब्रांड्स की सक्सेस स्टोरीज के लिए कमेंट करके हमें जरूर बताएं।